एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी डीआरडीएल के दफ्तर पहुंच गई। डीआरडीएल के अचानक दफ्तर पहुंचते ही हर तरफ शोर मच गया। आखिरकार खुद प्रधानमंत्री वहां पर गई थी और जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने अब्दुल कलाम का हाथ पकड़कर पूछा कि कलाम आखिर मिसाइल का परीक्षण कब होगा। और आज इस वीडियो में जवाब उसी सवाल का कि आखिर मिसाइल का परीक्षण कब होगा। कलाम का जवाब था जून 1987। ये वो दिन था और ये तारीख मुकर्रर की गई कि आखिर कौन से साल में भारत अपने पहले मिसाइल का परीक्षण करेगा। नमस्कार, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं भारत तक। आज हम आपको इस सीरीज के जरिए मिसाइलों की एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां से हम बताएंगे कि आखिर कब से भारत में मिसाइलें बननी शुरू हुई और कब कौन कौन सी मिसाइलें आईं और कौन कौन सी मिसाइलों का परीक्षण हो गया है और भारत के पास ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जो कि भारत ने खुद बनाए हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। और इसी आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में आपको भारत के उन तमाम मिसाइलों और हथियारों के बारे में हम बताने वाले हैं। इस जानकारी से आपका मिसाइलों का भूगोल और इतिहास सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पहले मिसाइल से, यानी कि जो भारत ने पहला मिसाइल बनाया, उससे पहले भारत में मिसाइल बन चुकी थी। आखिर किसने बनाई थी? दरअसल टीपू सुल्तान को मिसाइल मैन कहा जाता है और उन्होंने तब के दौर में, अपने दौर में मिसाइल बनाई थी और उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। दरअसल एक समाचार एजेंसी के मुताबिक लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट अभी भी रखे हुए हैं। इन रॉकेटों को 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज अपने साथ लेते गए थे और तब के दौर में, यानी जब हमने पृथ्वी का अभी परीक्षण शुरू भी नहीं किया था, यानी काम भी नहीं शुरू किया था, तब से मिसाइल जो है भारत में बन चुकी थी। तो चलिए बात शुरू करते हैं सबसे पहले मिसाइल पृथ्वी की और इसके बनने की पूरी कहानी और कैसे कैसे ये विकसित हुई। साल 1988। जब पृथ्वी ने उड़ान भरी तो पूरी दुनिया की आंखें चौंधी आ गईं। कल तक दूसरे देशों से संसाधन मांगने वाला भारत 25 फरवरी साल 1988 को एक नया अध्याय लिख रहा था। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी बनने की दिशा में भारत का यह सबसे बड़ा कदम था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनी भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी थी। ये एक रोड मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2 इंजन और लिक्विड फ्यूल से चलने वाली थी। इसका काम साल 1983 में शुरू हुआ और इसे पहली बार 25 फरवरी 1988 को लॉन्च किया गया। पर इसका इतिहास केवल इतना सा नहीं है। इन मिसाइलों के जनक में से एक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दरअसल उस दौर में एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ा ही अच्छा काम किया था सैटेलाइटों को लेकर और तब सरकार को लगा कि ये वो व्यक्ति है जो भारत के मिसाइल मिशंस को लीड कर सकता है और मिसाइलों की दुनिया में एक कमाल कर सकता है। तब डॉक्टर कलाम को जिम्मेदारी दी गई मिसाइलों की और तब उन्हें डीआरडीएल यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैबोरेटरी शिफ्ट कर दिया गया और तब से डॉक्टर कलाम जो थे वो मिसाइलों के काम में लग गए। 90 के दशक की शुरुआत में पुरानी डेविल मिसाइल प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन कर उसे काम चलाऊ बनाया गया। इसके सफल परीक्षण से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGDMP को पंख लग गए। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आनंद फानन में इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया। इंदिरा इसको लेकर इतनी उत्साहित थी कि एक रोज वो डीआरडीएल के हैदराबाद स्थित दफ्तर खुद पहुंच गई और कलाम का हाथ पकड़कर पूछा, कलाम मिसाइल का परीक्षण कब होगा? उनका जवाब था जून 1987। इस वाक्य को याद करके अब्दुल कलाम टर्निंग पॉइंट्स में लिखते हैं कि इंदिरा उन्हें कमरे में टंगे नक्शे की ओर इशारा करके बोली, रंगों से हाईलाइट किए गए शहरों को देखो और ये बताओ कि वो दिन कब आएगा जब ये शहर हमारी मिसाइलों की जद में होंगे। कलाम आगे लिखते हैं कि इंदिरा 3000 किलोमीटर दूर के शहरों की तरफ इशारा कर रही थी। संकेत साफ था कि देश को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। 280 वैज्ञानिकों की टीम रात दिन IGDMP पर काम कर रही थी। सितंबर 1985 में श्रीहरिकोटा में पहला परीक्षण हुआ जो सफल रहा। इसके बाद पायलट रहित एयरक्राफ्ट का भी सफल परीक्षण हुआ।
जादवपुर यूनिवर्सिटी में पृथ्वी मिसाइल के एल्गोरिदम विकसित किए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इसरो जैसे संस्थान अहम प्रोजेक्टों के अलग अलग हिस्सों पर काम कर रहे थे। कलाम इन सब के बीच धुरी बने हुए थे क्योंकि तब वे DRDL के बतौर निदेशक नियुक्त किए गए थे। साल 1988 के आते आते इस मिसाइल का काम उसके अंतिम चरण में पहुंच गया और आखिरकार 25 फरवरी 1988 को श्रीहरिकोटा से 11:23 पर इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। जब पृथ्वी को लॉन्च किया गया तो एक भयंकर आवाज के साथ पृथ्वी आकाश में उड़ चली। ये उड़ान थी भारत के आत्मनिर्भर बनने की। भारतीय वैज्ञानिकों ने तब एक नई इबारत लिख ली थी और टीपू का अधूरा सपना पूरा कर दिया था और अब अंजाम की ओर वो बढ़ चले थे। पृथ्वी के सफल परीक्षण के बाद दुनिया भर में हो हल्ला मच गया। वेस्टर्न ब्लॉक यानी नाटो राष्ट्र पहले तो आवाक रह गया और फिर आंखें दिखाने लगा। परमाणु संपन्न 7 देशों ने हिंदुस्तान को तकनीक के हस्तांतरण पर रोक लगा दी। इससे गाइडेड मिसाइलों से जुड़े किसी भी उत्पाद को खरीदना लगभग नामुमकिन हो गया। पर यह पहली और आखिरी बार नहीं था। यूनाइटेड माइंस में अब्दुल कलाम लिखते हैं कि इसी प्रकार के हालात 1970 के बाद भी हुए थे जब भारत सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए विदेशों से उपकरण और तकनीक ले रहा था। इस काम में इस्तेमाल होने वाले बेरिलियम डायफ्राम की खरीद के लिए न्यूयॉर्क की एक कंपनी से करार हुआ था, लेकिन करार होने के 3 महीने के बाद उस कंपनी ने इसकी सप्लाई करने से मना कर दिया। इससे पूरा मिशन थोड़े समय के लिए ठप सा पड़ गया। कलाम अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि एक रोज उन्हें पता चला कि भारत इसमें इस्तेमाल होने वाले बेरिलियम खनिज का सबसे बड़ा निर्यातक है और जापान उसका सबसे बड़ा खरीदार। उन्हें यह भी पता चला कि जापान इस खनिज से डायफ्राम बनाकर न्यूयॉर्क की उस कंपनी को बेचता है जिसे भारत को ये उपकरण खरीदना था। मामले की तह तक पहुंचते ही खनिज का निर्यात बंद कर दिया गया और देश में उस उपकरण को बनाने की तकनीक पर काम शुरू कर दिया गया। इसके बाद इस तकनीक को बना लिया गया और इस मुश्किल से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया गया। यानी जब जब प्रतिबंध लगे तब भारत झुका नहीं, टूटा नहीं, बल्कि भारत और मजबूत और आत्मनिर्भर हुआ। पृथ्वी के जो तीनों एडिशन हैं उनका 20 बार परीक्षण किया जा चुका है। पृथ्वी भारत की एकमात्र तैनात परमाणु सक्षम मिसाइल है और मौजूदा वक्त में इसके 2 संस्करण सेवा में हैं और तीसरा अभी भी डेवलपमेंट स्टेज पर है। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं कि आखिर पृथ्वी जब से बनी और तब से लेकर अब तक इसके कितने एडिशंस हैं, इसकी क्या खूबियां हैं और इसकी क्या क्षमता है। सबसे पहले बात पृथ्वीवन की। पृथ्वीवन में 150 किलोमीटर की रेंज है और ये 1000 किलोग्राम का पेलोड आसानी से लेके जा सकती है। ये साल 1994 से सेना की सेवा में है और लगभग 1/4 पाकिस्तान क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम है। अब बात पृथ्वी 2 की। पृथ्वी 2 को 27 जनवरी 1996 को लॉन्च किया गया। ये मिसाइल 9 मीटर लंबी, इसका व्यास 1.1 मीटर और वजन 400 से 450 किलोग्राम तक है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। साल 2011 में पृथ्वी 2 का परीक्षण 350 किलोमीटर तक किया गया था जो अभी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। इसके पेलोड में 500 या 1000 किलोग्राम तक का वजन या फिर एक कह सकते हैं कि वॉरहेड होता है। संभावित रूप से 1000 किलोग्राम पेलोड ये आसानी से ले जा सकती है, यानी कि जब कभी जरूरत पड़ी तो ये 1000 किलोग्राम के बम या फिर बारूदों के साथ दुश्मनों पर अटैक कर सकती है। लेकिन जब इस पर हम 1000 किलोग्राम का पेलोड लगाएंगे तो इसकी जो रेंज है वो अपने आप कम हो जाएगी। पृथ्वी 2 में 250 किलोमीटर की रेंज और 500 से 750 किलोग्राम का पेलोड वैसे ये नॉर्मली ले जा सकती है। ये मौजूदा समय में वायुसेना की सेवा में है और लगभग सभी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और सभी प्रमुख शहरों सहित कम से कम आधे पाकिस्तान पर आराम से हमला कर सकता है। अब बात तीसरे एडिशन यानी पृथ्वी 3 की। ये अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन जो परीक्षण हुए हैं उसके आधार पर इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और ये आसानी से 1000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकती है। ये मिसाइल एक लंबी दूरी की मिसाइल है और इसका जो तीसरा एडिशन है वो एक नौसेना का संस्करण है और इसे धनुष के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी 3 का पहली बार 21 सितंबर 2001 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार इसे जल्द ही दस्ते में शामिल किया जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान और चीन कोई मौका नहीं छोड़ते भारत की पीठ में खंजर घोंपने से, लेकिन ऐसे में ये भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी तैयारी पूरी रखे और फिर चाहे वो जल हो, थल हो या फिर वायु हो, हर जगह अपनी मजबूती को भारत ने और ज़्यादा मजबूत किया है।
और खासकर मिसाइलों की अगर बात कर रहे हैं हम, तो आत्मनिर्भर भारत के इस सीरीज में आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर भारत ने वो कौन कौन सी मिसाइलें बनाई जिससे आज दुनिया का हर देश खौफ खाता है। नमस्कार, जय हिंद।